नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का पेपर। साथियों, यहां पर पूरा सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के इस पेपर का हल पूरा देखेंगे। तो जल्दी से सभी क्लास 12th वाले दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिल सके। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, निषेचन क्रिया है। जो निषेचन क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है? तो ये एक नर युग्मक का अंडाणुओं में संशोधन। तो आपका राइट आंसर होगा एक नर युग्मक का अंडाणुओं से संयोजन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का वे भाग जो पराग कण ग्रहण करता है कहलाता है, वो कहलाता है आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र वो कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 400। मानव है, मानव एक है सजीव प्रजक, सजीव प्रजक कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी जो है ये पुरुष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि। तो निम्नलिखित में से जो जन्म दर को नियंत्रित करने की जो विधि है वो है IUD, और जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है, ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व। सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो पेपर है पूरा यहाँ से आपको दिखाई देगा। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी प्रकार अन्य वीडियो जो आपके आएंगे वो भी आपको मिल सके। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अनुवांशिकता का जनक वैज्ञानिक को माना जाता है, तो ये माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, है ना? तो मेंडल आप लिख लीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। गुणसूत्र के वाहक होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं उनके वाहक होते हैं अनुवांशिक गुण। क्या होते हैं? अनुवांशिक, अनुवांशिक गुण राइट आंसर हो जाएगा। DNA अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो इन वैज्ञानिक का नाम था वाटसन एवं कील। क्या लिखोगे? वाटसन एवं कील। अगला क्वेश्चन, DNA के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो इस वैज्ञानिक का जो नाम है प्रश्न क्रमांक जो आपका 4th वाला है, DNA के डबल, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा वाला जो हमारा है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो यहाँ पर ये था तीसरा वाला, तीसरे वाले का जो आंसर आपने देखा था वाटसन एवं कील, वाटसन एवं कील आपका 4th वाले में आएगा, ठीक है? वाटसन एवं कील, वाटसन एवं कील आपका 4th वाले में होगा, और तीसरे वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। चमदागढ़ के पंख और वेल के भी पर के अंग है, किसके ये अंग है? तो वेल के पिली पर जो अंग है ये अंग है समजात अंग। कैसे अंग है? समजात अंग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है 90%। अगला क्वेश्चन, मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़ी मिलाना है, उसके बाद में माइकोराइजा, इसको आप मिलाओगे से जैविक फ्लेमिंग, सह जैविक संबंध। अगला टाइफाइड, इसको मिलाओगे आप विटाल परीक्षण, राइबोफ्लोविन, इसको आप मिलाओगे विटामिन B2, बायोगैस, इसको मिलाओगे मीथेन से, एंटीबायोटिक, इसको मिलाओगे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और इंटरफेरन को मिलाओगे आप विषाणु रोधी प्रोटीन, और एंथेक्स को मिलाओगे जैव युद्ध से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आप इन क्वेश्चनों को देखिएगा, जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक शब्द में उत्तर और ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, इस प्रकार आपका पूरा 70 नंबर का जो पेपर है यहाँ पर, इसको देख लीजिए आप। इनके आंसर आप लोगों को पूरा मिल जाएगा टेलीग्राम पर, 19 के 19, 1 से लेकर 23, 1 से लेकर 19 तक सभी प्रश्नों को उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल की। यदि आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर लिखिएगा फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस, आप जुड़ जाओगे, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा आंसर वाला, और पूरे आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे, अच्छे से नोट कर लेना और पढ़ लेना। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिले कमेंट बॉक्स में बता देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन कॉल पर कर लेना ताकि आपको वीडियो मिल सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।